यहाँ हजारों हजारों की संख्या में नेता पैदा हो गए हैं, जो कोई भी नेता होगा जो भारत बंद का कॉल दे देगा, छोटे से इलाके में भी प्रभाव रखने वाला, जो दो चार लोगों के बीच भी प्रभाव रखने वाला, दो चार लोगों की पार्टी संगठन चलाने वाला भी कोई नेता है वो भारत बंद की कॉल दे दे, यानी कि एकदम ये एक तरह से चूचू का मुरब्बा जैसा लगता है। इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी लंबी लड़ाई है, और इसको इतने हल्के तरीके से लोग पेश करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का सर कि जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन था वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा, स्टेट गवर्नमेंट के, कि उनकी मर्जी दे ना दे, आप कैसे देखते इस प्रश्न? सुप्रीम कोर्ट में जो अभी फरवरी के पहले हफ्ते में जो फैसला आया है, वो फैसला उत्तराखंड में असिस्टेंट इंजीनियर PWD के पद पर प्रमोशन को लेकर ये सब विवाद शुरू हुआ। 2012 से ये विवाद चल रहा है। 2012 के बाद 2019 में हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था कि रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के साथ साथ प्रमोशन में भी रिजर्वेशन ये सरकार दे, और सरकार को ये निर्देश भी दिया था कि आप इसके डाटा जो है वो इकट्ठा भी कर लें। तो हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया तो उत्तराखंड की जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, उत्तराखंड को जिस तरह से बना है, उसमें समाज के जिन लोगों की, जो लोग अगुवाई करते रहे हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में आरक्षण को लेकर पेचीदगियाँ रही हैं। मतलब आप अगर कोई फैसला एक बार हो भी जाता है किसी स्तर पर भी तो रुकता नहीं है, उसका विरोध सतत चलता रहता है। तो जब 19 में ये फैसला हाई कोर्ट का आ गया तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, और विनोद कुमार और तीन और लोगों ने के साथ ये विवाद चला सरकार का। सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने, जो कि अभी BJP उसका नेतृत्व कर रही है, उसने ये कहा कि संविधान में तो ये प्रोविजन है रिजर्वेशन का, लेकिन सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है कि वो आरक्षण मुहैया कराए। नंबर एक बात तो ये आई, नंबर दो बात ये आई कि कोई भी व्यक्ति आरक्षण को एक अपने मौलिक अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता है। हम ये समझते हैं कि भारतीय समाज में जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है और जो अनुसूचित जाति का है यानी दलित है, उसका ये मौलिक अधिकार है कि वो आरक्षण की मांग करे, आरक्षण की जो सुविधा है उसको मिले। कोर्ट ने ये बात बदल दी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की, BJP की सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुए ये बात कह दी। नंबर एक, नंबर जो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात उसने ये कही है, जो इस पर गौर करना चाहिए, कि अगर सरकार को रिजर्वेशन देना है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए तो उसको आंकड़े इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन यदि वो नहीं देती है, ये उसकी मर्जी पर है, अगर वो नहीं देती है तो उसको किसी तरह के आंकड़े इकट्ठे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से आप ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, जो भी फैसला होता है, भले ही किसी मामले में आए, लेकिन वो सब पर लागू हो जाता है, सभी विभागों पर लागू हो जाता है, सभी राज्य सरकारों पर लागू हो जाता है, एक कानून की तरह वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दो सदस्यीय बेंच की जो ये का जो फैसला आया है, वो फैसला निश्चित रूप से लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आरक्षण के विरोध में आ रहे हैं उसकी एक कड़ी है, और ये कड़ी इसलिए बनती है कि जो राजनीतिक जो एटमॉस्फियर होता है, राजनीतिक जो वातावरण होता है, वो
कोर्ट के फैसले को बहुत प्रभावित करता है। अभी का जो राजनीतिक पूरा इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो आरक्षण विरोधी फैसले के बहुत अनुकूल है। इसीलिए सरकार भी जो है, सरकारें भी जो हैं, वो बहुत तवज्जो नहीं देती, बहुत ध्यान नहीं देती, बल्कि इसको ये इस तरह से करती है कि लेट इट बी डाइड, इसको मर जाने दो, इसको ख़त्म हो जाने दो, इस तरह से वो बिहेव करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला है वो एक फिर से एक चुनौती बन के सामने आई है लोगों के सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण विरोध का जो एक ढांचा पूरे समाज में बना हुआ है वो लगातार मजबूत हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं बहुत ही लुंजपुंज, बहुत ही ढीले ढाले तरीके से वो एक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं, कोई ढांचा बनाने की तरफ नहीं जाती हैं। यहाँ हजारों हजारों की संख्या में नेता पैदा हो गए हैं, जो कोई भी नेता होगा जो भारत बंद का कॉल दे देगा, छोटे से इलाके में भी प्रभाव रखने वाला, जो दो चार लोगों के बीच भी प्रभाव रखने वाला, दो चार लोगों की पार्टी संगठन चलाने वाला भी कोई नेता है वो भारत बंद की कॉल दे दे, यानी कि एकदम ये एक तरह से चूचू का मुरब्बा जैसा जैसा लगता है। इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी लंबी लड़ाई है, और इसको इतने हल्के तरीके से लोग पेश करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही मजबूत ढांचा है आरक्षण विरोध का, और दूसरी तरफ आप यदि इतने लुंजपुंज तरीके से एक अपने फैसलों को लागू करवाने की बात सोचेंगे, बहुत ही दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि कैसे लोग मतलब काम करना चाहते हैं। हीरोइज्म की इतनी भूख है, हीरो बनने की इतनी भूख है लोगों में, मेरी समझ में नहीं आता इस भूख का क्या करोगे, इसका कोई संदर्भ ही नहीं आएगा इतिहास में। आप खुश हो लो कि हमने तो ये करा दिया, हमने वो करा दिया, लेकिन इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा यार। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर। तो बहुत ही जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ साथ, SC ST एक्ट को लेकर भी जो फैसला आया है उसके 3 दिनों के बाद 10 तारीख को, उस पर भी सोचना चाहिए था, उसको भी पढ़ना चाहिए था। ये मेरे पास फैसले की कॉपी है, मैंने इसकी स्टडी की, लेकिन अभी तो इसकी बात ही नहीं हो रही है कि इसमें क्या प्रोविजन नया आ गया, क्या इसको डाइल्यूट किस तरह से किया गया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यदि जितनी बड़ी चुनौती है उस चुनौती के बरक्स, उस चुनौती के समानांतर आप अगर इतने हल्के तरीके से चीज़ों को लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। आरक्षण तो वैसे भी आपसे छीना जा चुका है बहुत, और लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार नहीं है रिजर्वेशन, तो क्या टेक्निकल ठीक है ये बात? सर, वो कह रहे हैं कि आप फंडामेंटल राइट की तरह इसकी मांग नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि जो आरक्षण जो मांग कर रहा है वो एक उसको फंडामेंटल राइट की तरह नहीं मांग कर सकता है, उसका वो उसकी लाइन है। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में जो सामाजिक जो वर्ग है हमारे, और जो सदियों से पीड़ित रहे हैं, उस समाज के संदर्भ में आरक्षण उसके मौलिक अधिकार की तरह है। मौलिक अधिकार का मतलब केवल ये नहीं हुआ हमको बोलने की आज़ादी, हमको केवल चलने फिरने की आज़ादी। अगर इसका दलित के संदर्भ में, OBC के संदर्भ में, आदिवासी के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इसकी व्याख्या ये होगी कि उसको जो जीने का हक है, उसकी जो नौकरी में जो अवसर है, वो सब भी उसके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। इसीलिए ये जो बात कह रही है कोर्ट, ये दरअसल जो सामाजिक पृष्ठभूमि कोर्ट्स में बैठी हुई हैं, जिस तरह के लोग कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, वो शायद इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं। वो अपने तरीके से मौलिक अधिकारों को डिफाइन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन जो समाज का दलित वर्ग है वो तो अपने तरीके से मौलिक अधिकारों को डिफाइन करेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसी बात को लेकर, आरक्षण को लेकर, क्या वास्तव में समय आ गया जब एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए? प्रोटेस्ट एक साथ मिलके केवल आरक्षण के पर जो फैसला आया है उसी पर नहीं, अब इसको CAA के विरोध के साथ जोड़कर इस पर आंदोलन करना चाहिए। ये सब कुछ हमला एक दूसरे से मिलता हुआ है, ये सारे हमले जितने हैं एक दूसरे से मिलते हुए हैं, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है।
आज ये सीए के जरिए हमला हो रहा था, अब इसके जरिए भी हमला हो रहा है। एक पूरा चक्र बन रहा है ये हमले का और आपके संवैधानिक अधिकारों के विरोध का। तो इस बात को हमको समझना चाहिए और न केवल आरक्षण की बात इसमें शामिल करना चाहिए, बल्कि इसमें जो आदिवासियों के हक की बात है, ज़मीन की बात है, उसको शामिल करना चाहिए। सीएए की जो बात है उसको शामिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटी पे जो हमले हो रहे हैं उसको शामिल करना चाहिए। नौकरियां जो आपकी छीन रही हैं उसको शामिल करना चाहिए। इस सारी चीज़ों को आपको शामिल करके भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए।